निधि, मैंने लग्जरिया ग्रुप की फाइल मंगाई थी तुमसे। अरे आपके टेबल पे रखा है, ठीक से देखिए। अरे हाँ, मिल गई। रोहन से तो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढते हैं, तो बात क्यों नहीं कर लेते? मैं यहाँ काम करने आती हूँ जिसकी मुझे सैलरी मिलती है। मुझे फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी सही है। ये चाय आपके लिए। थैंक यू। क्या रे, कैसा चाय लाया है? कल का चाय भी तेरा ऐसा ही था, दूध वूध नहीं डालता है क्या? दूसरा दूध सर। दूसरा कहाँ से देगा, वही चाय है ना? जी सर। वो जो मैम को देता है वो वाली दिया करना, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चाय बना के लाता है। सर उनके लिए भी तो यही चाय देता हूँ, दूसरी थोड़ी लाता हूँ। चल जा। सर वो पैसे चाहिए थे आज। कैसे पैसे? सर एक महीना आज पूरा हो गया। हाँ तो ठीक है, 2 बजे के बाद आना, बॉस आएंगे तो मिलेंगे पैसे। सर 2 बजे के बाद मुझे लंच पहुँचाने जाना रहता है। तो मैं तेरे घर पैसे पहुँचाने आऊँ? बॉस आएंगे तभी तो मिलेंगे ना तेरे पैसे। लेकिन सर आपने बोला था कि आप खुद पैसे दे देंगे, तो सर। अबे बोला था, बॉस से लेकर ही तो दूंगा तुझे पैसे। अब तू जा यार यहाँ से। सर बॉस से फोन पे बात कर लीजिए ना सर, आपने ही तो बोला था कि दे देंगे। अच्छा, तेरे चाय के पैसे के लिए मैं बॉस को फोन करूँ? लेकिन सर आपने बोला था बॉस से बात करके आप ही पैसे दे देंगे। जा, नहीं दूंगा तुझे पैसे। तुझे जहाँ से लेने हैं वहाँ से ले पैसे, जा। अबे वो क्या पैसा पैसा लगा रखा है? जब सर ने बोल दिया 2 बजे बाद आके पैसे ले जाना, तो समझ में नहीं आता क्या तुमको? नहीं पापा, इसको पैसे नहीं देने हैं, इसको भगा यार यहाँ से। अरे सर छोड़िए ना इसे, भैया आप जाइए 2 बजे के बाद आना। नहीं रुचि, इसको पैसे देने ही नहीं है। एक मिनट रुक, बॉस को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो सर, ये चाय वाला संजय बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ? चाय के पैसे मांग रहा है। अरे तुम दे दो ना पैसे। नहीं सर, इसको पैसे देने ही नहीं है। इसने 1 घंटे से किसी स्टाफ को काम करने नहीं दिया है। पता है कितना नुकसान हुआ इसकी वजह से? धक्के मार के बाहर निकालो उसे। एक चाय वाला ही है ना, कहीं का गवर्नर तो नहीं? तो बुलाओ उसे कल 2 बजे ऑफिस में, मैं देता हूँ साले को पैसे। ठीक है सर। सर बोल रहे धक्के मार के साले को बाहर निकाल दो। देख मुझे गुस्सा मत दिलवा, चुपचाप यहाँ से निकल जा। बेफालतू में हाथ उठा दूंगा, जा निकल। बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज कहीं का। सर जाने दीजिए ना, बेवकूफ है। हम चाय पिलाते हैं इसका मतलब ये तो नहीं ना भैया, उनके नौकर हैं हम। आपके साथ इतनी बदतमीजी की है और आप चुपचाप सुनते रहे उन्हें, कुछ बोला तक नहीं। जा, नहीं दूंगा तुझे पैसे। तुझे जहाँ से लेने हैं वहां से ले पैसे, जा। तो समझ में नहीं आता क्या तुमको? नहीं पापा, इसको पैसे नहीं देने हैं। सर बोल रहे धक्के मार के साले को बाहर निकाल दो, जा निकाल। बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज कहीं का। भैया पैसा लेने मैं चला जा रहा हूँ दोपहर में, 2 बजे लंच देने आप चले जाइएगा। उन लोगों ने मेरे साथ कल बहुत बदसलूकी की थी, उनके बॉस ने मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाया। उम्र में वो मुझसे बहुत छोटे, दूध पीते बच्चे लगते हैं। वो मुझे गालियां देते रहे, धक्के मारते रहे और मैं पागलों की तरह उनको आप कहता रहा। इस बार अगर उन लोगों ने मुझे तुम तक कहा ना, तो मैं उन लोगों को वहीं जान से मार दूंगा। उसके बॉस से मिलने तो मैं ही जाऊंगा। पैसा और इज्जत दोनों वापस लाना है इस बार।
हाँ तो उनको ऑफिस भेज दीजिए ना, मैंने उनको आज तक देखा भी नहीं है, देख भी लूँगा। अरे नहीं नहीं वाकई मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा और वो आगे भी हमारे लिए ही काम करेंगे। हाँ मैं उनका पूरे महीने का पेमेंट भी कर दूँगा। ओके ओके ओके। क्या है? पैसे चाहिए चाय के। अच्छा तू है वो बदतमीज चाय वाला जो कल बदतमीजी से बात कर रहा था। तुम काम करना बंद करो, तमीज से बात करो। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं, समझे तुम? साले तुम ये तमीज सिखाएगा तेरी। अरे आइए आइए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। बैठिए। कैसे हैं आप? ठीक है सर, वो कल पैसे के लिए बात हुआ था। हाँ हाँ पैसे तो याद है मुझे, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। कुछ ले गए आप, चाय कॉफी नाश्ता? नहीं ये हिसाब था सर एक महीने का। अरे पैसे तो मुझे याद है, बट मुझे ये बोलना है कि मुझे आपका काम बहुत पसंद आया और मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ काम करते रहिए। और ये लीजिए आपके पैसे। सर ये बहुत ज़्यादा है सर। अरे आप रखिए इसे, और इन फ्यूचर कभी भी आपको एडवांस की ज़रूरत हो तो मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? और अगर हमारी कंपनी तरफ से कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे आप रो क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे आप रो क्यों रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी सर। ये क्या है सर? आपके स्टाफ मुझे चाय वाला समझकर बहुत बुरा भला बोलते हैं सर। कल उन्होंने मुझे धक्का भी मारा सर, लेकिन आप तो भगवान जैसे हैं सर। मैं आपको नहीं समझ पाया सर, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा। कोई बात नहीं सर, आपने एक चाय वाले को चाय पीने पूछा, ये पैसे जरूरी नहीं है सर। आपने इतना इज्जत दिया मुझे, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। सर आपसे बाहर कोई मिलने आया है, भेजूं? अच्छा भेज दो। हेलो सर, मैं आपका प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर यशवंत सर ने एक महीने की पेमेंट लेने के लिए भेजा। मैं आप ही का वेट कर रहा था, प्लीज़ बैठिए। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो क्या मंगाऊं आपके लिए, चाय कॉफ़ी? नहीं। गांधी जी कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे प्यार से ना किया जा सके। ना जाने क्यों फिर भी हम कभी कभी नफरत का इस्तेमाल करते हैं।